रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में सड़क कटिंग कार्य के दौरान दुकानदारों और भवन स्वामियों ने बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल ऑल वेदर परियोजना के तहत आज रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में दुकानों पर प्रशासन द्वारा जेसीबी चलाया गया, जिससे बवाल हो गया है। यहां दुकानदारों और भवन स्वामियों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग श्रीनगर द्वारा पूर्व में रुद्रप्रयाग बाजार में ऊपर की ओर कटिंग का सर्वे किया गया था, किंतु विभाग द्वारा ऊपर की ओर न काटकर नीचे की दुकानों को काटा जा रहा है। वहीं विरोध को देखते हुए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लोगों ने बहुत सहयोग किया। हमारे 136 स्ट्रक्चर थे और उसमें से मात्र 6 या 7 रह गए, बाकी 130 लोगों ने अपने इस पर हटा लिया था। आप लोगों से भी पिछले 4 माह से मैं स्वयं एसडीएम साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब सभी लोगों आकर रिक्वेस्ट करते रहे। परसों जब इस संबंध में जो उच्चाधिकार पे बैठक हुई, उसमें हमें काफी इस बारे में डाटा गया कि आप लोग जानबूझ के इसको योजना को डिले कर और चाहता नहीं आता फिर पे आ रहे हैं। हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते, जब आप 130 हटवा सकते हैं तो क्यों तोड़ेंगे आप। जब भी किसी का इस तरह का अहित होता है तो इस तरह के आरोप लगना प्राय सामान्य बात है। अगर कोई साक्ष्य है लोगों पे इस बारे में, राजभवन महोदय को कर सकते हैं, हमारे चैनल में तो भेज सकते हैं, हम प्रकरण जांच करके बता देंगे। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग मुख्य बाजारों में ऑल वेदर के दायरे में आ रही दुकानों को पहले ही चिन्हित कर भवन स्वामियों को दुकानें खाली करने को कहा गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी भवन स्वामियों द्वारा खाली नहीं किया गया, जिसे तहसील प्रशासन और पुलिस के माध्यम से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। भले ही विभाग कुछ भी कहे, लेकिन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभाग द्वारा भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।